संभल में एक सांसद द्वारा तालिबानी लड़ाकों की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ राजद्रोह समेत कई धाराओं में संभल कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। ये कार्रवाई बीजेपी नेता राजेश सिंघल की तहरीर के आधार पर की गई। बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने संभल कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे तालिबानी लड़ाकों से की है। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। मामले में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि मंगलवार की देर रात को सांसद शफीकुर रहमान बर्क और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि तालिबानी अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, जैसे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी। इस दौरान सांसद ने कहा कि जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब तालिबान अपने देश को आजाद कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसे रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों को भी अपने देश में नहीं बसने दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। वहीं एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा है कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है और इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। फिलहाल मामले में सांसद समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पर तमाम तरह की राजनीति भी लगातार हो रही है। संभल का ये पूरा मामला जहां पर सपा सांसद सहित तीन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। दरअसल ये सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए तालिबानी लड़ाकों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कर दी, जिसके बाद बवाल हो गया और यहां पर एक तहरीर भी दी गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि भारत में तालिबान को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर तालिबानी लड़ाकों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की जाती है तो पूरी तरह से ये मामला कहीं ना कहीं देशद्रोह का हो जाता है और इसी वजह से इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। और साथ ही साथ बर्क के अलावा दो लोग और बताए जा रहे हैं जिन पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तालिबानी लड़ाकों की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ राजद्रोह समेत कई धाराओं में संभल कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। ये कार्रवाई बीजेपी नेता राजेश सिंघल की तहरीर के आधार पर की गई। बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने संभल कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे तालिबानी लड़ाकों से कर दी है। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। मामले में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि मंगलवार की देर रात को सांसद शफीकुर रहमान बर्क और दोनों अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सांसद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि तालिबानी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी। इस दौरान सांसद ने कहा कि जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। अब तालिबान अपने देश को आजाद कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों को भी अपने देश में नहीं बसने दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। वहीं एसपी चक्रेश मिश्र ने कहा कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है और इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। में सांसद समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। दरअसल अगर तालिबान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया है। संसद पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। भारत ने तालिबान को एक आतंकी संगठन पहले से ही घोषित किया हुआ है। ऐसे में सांसद के इस तरह के बयान जो है वो वाकई देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की अगर बात की जाए तो जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था तब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर भारत को आज़ाद कराया। ऐसे में जो खून खराबा कर रहे हैं तालिबानी, उनकी तुलना आप स्वतंत्रता सेनानियों से कैसे कर सकते हैं? ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो जहन में आ रही है। आम लोग भी इस पर लगातार सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी शफीकुर रहमान बर्क को लेकर तमाम पोस्ट जो हैं वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा अगर सपा नेताओं की और सांसद की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सपा के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनका विवादों से ना एक गहरा नाता है, एक दोस्ती कर ली है उन्होंने। आए दिन सपा नेता कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। इससे पहले अगर एसटी हसन की बात करें सपा नेता की, तो उन्होंने
जब झंडारोहण किया, ध्वजारोहण किया, तब वो राष्ट्रगान भूल गए, जिसके बाद सपा की किरकिरी वहां भी हुई और एक बार फिर से सपा की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है संभल वाले मामले पर। मीडिया से रूबरू होते हुए सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ये भूल गए कि वो भारत में है, पाकिस्तान में नहीं। भारत में रहकर वो भारत के स्वतंत्र सेनानियों की तुलना तालिबानी लड़ाकों से कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से भारत में आतंकी संगठन माना जाता है। ऐसे में अब बवाल होना लाजमी था, बवाल खूब हो रहा, लेकिन अपनी सफाई में उन्होंने तमाम बातें कही हैं, तमाम सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन एक बार उनके मुंह से इस तरह के शब्द निकल गए हैं तो उस पर विवाद तो होना ही था। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।